इसके साथ जो ड्रग का इस वक्त सिलसिला जहां पर पहले के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से पाकिस्तान की एजेंसी चलाने की कोशिश कर रही है, ड्रग जो सरहद पार से बॉर्डर से लोगों के जरिए से उनके टाउट्स के समगलर्स के जरिए से भी इधर लाई जा रही हैं, इसके साथ साथ ड्रोन्स के जरिए से भी ड्रग्स की तस्करी का काम इस तरफ जो है वो हुआ। इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई पुलिस ने करी और बहुत बड़ी कामयाबियां भी हासिल इस जिम्मन में करी। इस साल 1693 केस 1693 केसेस दर्ज किए गए ड्रग से रिलेटेड जो काम कारोबार और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ, जिसकी तादाद पहले के मुकाबले में लगभग 130 के करीब ज़्यादा है। हम लोग इस कार्रवाई को और तेज करेंगे और ज़्यादा शिद्दत से और ज़्यादा सख्ती से इस कार्रवाई को अंजाम में लाएंगे। ऐसे केसेस भी सामने आए जहां ड्रग्स की तस्करी का पूरा जो नेटवर्क है, स्टार्टिंग पॉइंट से डिलीवरी पॉइंट तक आगे पीछे का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंक जो सारे उनको वर्कआउट किया गया। और हाल ही में कुपवाड़ा के ऐसे केस में कुछ 1.5 दर्जन के करीब लोग एक ही केस में पकड़े गए जो अलग अलग तरह से इस तरह की तस्करी में शामिल थे। बहुत बड़ी तादाद में सीजर्स भी हुए हैं, 212 केजी हीरोइन पकड़ी गई, 383 केजी चेस पकड़ी गई, 12 किलो के करीब ब्राउन शुगर पकड़ी गई, 215 किलो गांजा पकड़ा गया, पॉपी सडा की स्ट्रॉ जो पकड़ा जाता है, पॉपी हस्क जिसको कहते हैं, ये 10,746 किलोग्राम पकड़ा गया। और इस तरह के बाकी जो आइटम्स हैं जो तस्करी में शामिल हैं उनकी भी काफ़ी बड़ी तादाद है, और जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं उनका भी काफ़ी बड़ी मात्रा।